कह रहा हूँ बच्चे, शब्द तेरे इस इलाके में घूमते हैं। तुम चाहती हो वो आकर हम पर हमला करे? मिस्टर गेम्स, बात हो गया। ये लुटेरों का गाना गा रही थी। बहुत बुरा शगुन होता है ऐसे कोने में शापित लुटेरों का गाना गाना। इसका अंजाम बुरा होगा। हाँ, हम समझ गए। जाओ अपना काम करो। जी लेफ्टिनेंट। जहाज पर एक औरत का होना भी बुरा शगुन है, फिर चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। मुझे लगता है समुद्री लुटेरों से मिलना तो बहुत मजेदार होगा। वो हीरो नहीं है मिस स्वान, वो बहुत ही खतरनाक और क्रूर किस्म के लोग हैं। मेरी राय में जो भी लुटेरों के साथ जुड़ा हुआ है या जिसके शरीर पर भी लुटेरों के निशान है, वो सिर्फ एक ही चीज का हकदार है, और वो चीज है मिस स्वान सजाए मौत। लेफ्टिनेंट एरिंगटन, मैं आपके ख्यालों की कदर करता हूँ, पर मेरे ख्याल से इन बातों का मेरी बच्ची पर बुरा असर होगा। मैं माफी चाहता हूँ गवर्नर स्वान। मुझे तो ये बातें बहुत दिलचस्प लगती है। हाँ, इसी बात की तो मुझे फिक्र है। शायद उस व्यापारी के जहाज पर बारूद होगा जो फट गया। ये बारूद भी मुझे ना बचा सका। ये जरूर उन लुटेरों का काम है, समुद्री लुटेरे। हद करते हो तो, कोई सबूत नहीं है, शायद ये कोई हादसा रहा होगा। कैप्टन को जगाओ, जल्दी से जहाज को मोड़ो और सारी कश्ती पानी में उतार दो। जिम्मेदारी है, तुम इसका ख्याल रखना। डरो नहीं, मेरा नाम एलिजाबेथ स्वान है। इसने कुछ बताया? इसका नाम विल टर्नर है, बस इतना ही बताया इसने। इसे नहीं, चले जाओ।
एलिजाबेथ, तुम जाग गई हो? मैं अंदर आ जाऊं? हाँ, आ जाइए। हाँ, कमाल है, मेरी बच्ची इतनी देर तक सोई रही। देखो तो कितना सुहाना दिल है। मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया। ये कितना खूबसूरत है। क्या मैं इसकी वजह पूछ सकती हूँ? अपनी बेटी को तोहफा देने के लिए क्या मुझे किसी वजह की जरूरत है? वैसे मैं चाहता था कि ये तुम आज के जश्न पर पहनो। कौन सा जश्न? कप्तान नॉरिंगटन के जश्न की तरक्की पे। मैं जानती थी कमोडोर नॉरिंगटन ऊंचा ओहदा मिलने वाला है उसे। वो बहुत ही तमीजदार और अच्छा लड़का है। वो तुम्हें पसंद करता है। एलिजाबेथ, कपड़े तो बराबर है ना? कुछ कहना मुश्किल है। ये लंदन में नया फैशन है। वो लंदन की औरतें अपना सांस रोकने में माहिर होंगी। हुजूर आपसे कोई मिलने आया है। आपको देखकर खुशी हुई। शुक्रिया सर, आपकी तलवार लाया हूं। बहुत खूब। ब्लेड स्टील की परतों से बना है। आखिर में सोने की नकाशी का काम है। वाह, इजाजत हो तो। बिल्कुल सही संतुलन। हैंडल का हिस्सा भी ब्लेड जितना चौड़ा है। बहुत अच्छे, बहुत कॉमोडोर नॉरिंगटन के तोहफा पाकर बेहद खुश होंगे। अपने मालिक से कहना कि तलवार हमें पसंद आई। जी हाँ, अक्सर कलाकार उसके काम की तारीफ सुनकर बेहद खुश होता है। हाँ एलिजाबेथ, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। विल, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। कल रात ही मैंने तुम्हारे बारे में ख्वाब देखा था। मेरे बारे में? एलिजाबेथ, तुम्हें ऐसी बातें नहीं। जब हम जहाज पर पहली बार मिले थे तुम्हें याद है? मैं कैसे भूल सकता हूँ मिस वॉन। कितनी बार कहना पड़ेगा कि मुझे एलिजाबेथ कहो? शायद एक और बार मिस वॉन, हमेशा की तरह। देखा तुमने, कम से कम इस नौजवान में इतनी समझ है। चलो चलना चाहिए। चलती हूँ मिस्टर टर्नर। आओ बेटा, फिर मिलेंगे। और भूल जाओ।
आपका स्वागत है मिस्टर। रुको रुको रुको, यहाँ आम शहरियों को आने की इजाजत नहीं है। वो आवे जाता हूँ, मैं ये नहीं जानता था। अगर कोई शहरी देगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा तुरंत। सुना है आज किले में साहब लोगों का कोई बहुत बड़ा जश्न हो रहा है। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि आप जैसे होनार सिपाहियों को उस जश्न में न्योता नहीं दिया गया? आप जैसे शहरियों को रोकने के लिए हमें यहाँ रुकना पड़ा है। ख्याल तो बहुत अच्छा है तुम्हारा, मगर मुझे लगता है कि ये उस बड़े जहाज के सामने इस छोटे जहाज को खड़ा करना अच्छी बात नहीं। वो डाउनलेस जहाज तो समंदर की शान है, लेकिन इंटरसेप्टर जहाज का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ ना, ऐसा एक जहाज है जो उससे कहीं ज्यादा अच्छा है, नाम है ब्लैक पर्ल। कोई असली जहाज नहीं टिक सकता इंटरसेप्टर के सामने। ब्लैक पर्ल एक असली जहाज है? नहीं, वो नहीं है। वो है, मैंने वो देखा है। तुमने वो देखा है? हाँ। तुमने वो जहाज नहीं देखा? मैंने वो जहाज देखा है। तुमने एक जहाज देखा है जिस पर काले पर्दे लहराते हैं, जिस पर क्रूर आदमी है और जिसका कैप्टन इतना खतरनाक है कि जहन्नुम ने भी उसे बाहर फेंक दिया। नहीं नहीं, पर मैंने काले कपड़ों वाला जहाज जरूर देखा है। कोई भी जहाज जिस पर क्रूर आदमी ना हो या जिसका कैप्टन इतना खतरनाक ना हो कि उसे जहन्नुम ने भी बाहर फेंक दिया हो, उस जहाज के वैसे काले पर्दे नहीं हो सकते। और तुम्हारे ख्याल में हर काले पर्दे वाला जहाज ब्लैक पर्ल है? नहीं, जैसा कि मैंने कहा, कोई भी जहाज इंटरसेप्टर के आगे टिक नहीं सकता। पागल। यहाँ आने की इजाजत नहीं है। मुझे माफ कीजिएगा, कितनी खूबसूरत गश्ती है, मेरा मतलब जहाज है। तुम्हारा नाम क्या है? स्मिथ। या स्मिथ ही, जो पसंद हो। क्यों आए हो यहाँ पोर्ट रॉयल में मिस्टर स्मिथ? और हाँ, झूठ मत बोलना। तो ठीक है, सच कहता हूँ। मेरा इरादा है कि ऐसे एक बड़े जहाज को चुरा कर अपने कुछ साथियों के साथ टोर्टुगा में टकैती करके सारा माल लूट लूं और अपनी धौंस जमाऊं। मैंने कहा झूठ नहीं। ऐसा लगता है ये सच बोल रहा है। अगर ये सच कह रहा होता तो हमें नहीं बताता, समझे ना? क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हें सच सुनने की आदत नहीं है, इसलिए झूठ समझोगे। हाँ, तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अगर जल्दबाजी समझो तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आज मैं अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। इस तरक्की के साथ ही मैं उस बंधन में बंधना चाहता हूँ जिससे मैं अब तक दूर रहा, और वो है शादी का अटूट बंधन। तुम बहुत समझदार और खूबसूरत हो। मुझे घबराहट हो रही है। हाँ, मेरे मन में भी घबराहट हो रही है। उन लुटेरों ने मुझे चंदा बना दिया। एलिजाबेथ, वहां चट्टाने हैं। शुक्र है वो उनसे नहीं टकराई। बचाने जा रहे उसे? यहां तैरना किसे आता है? ना ना, ऐसे सिपाहियों पर संभाल लेके भाग मत जाना।
जाने वाले को मारना चाहते हैं। इस एहसान के लिए हम शुक्रगुजार हैं। बहुत ही अच्छा निशान दिया है तुम्हें ईस्ट इंडिया कंपनी ने, समुद्री लुटेरा। लटका दो इस पर बंदूक के ताने लाओ जिलेट, इसे जंजीरें पहनाओ। वाह वाह, तो तुम जैक स्पैरो हो। कप्तान जैक स्पैरो ज्यादा बेहतर रहेगा। तुम्हारा जहाज कहीं नहीं दिख रहा कप्तान। उसी का तो इंतजाम कर रहा था। सच कह रहा हूँ, इसने कहा ये जहाज चुराने आया है। मैंने कहा था कि ये सच बोल रहा है, ये इसके हथियार है सर। बंदूक में ना गोली है ना बारूद है, एक कंपास जो बिल्कुल खराब है। मुझे तो लगा था कि तलवार भी लकड़ी की होगी। तुम तो समुद्री लुटेरों का नाम बदनाम कर रहे हो जैक। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा? कॉमोडोर, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। इस लुटेरे से होशियार है ना? लुटेरा हुआ तो क्या हुआ, इसने मेरी जान बचाई है। एक अच्छाई करके जिंदगी भर की बुराइयों को मिटाया नहीं जा सकता लेजा, पर वही अच्छाई उसे मरवा जरूर सकती है। ठीक कहा। गोली मत चलाना, मैं जानता था तुम मेरा साथ होगी। कॉमोडोर, मेरी सारी चीजें फौरन वापस करो। और मेरा ताज। कॉमोडोर, एलिजाबेथ, एलिजाबेथ नाम है ना? मिस स्वान कहो। मिस स्वान, चलो वो चीजें पकड़ो, जल्दी करो, वक्त नहीं है। अब इन्हें पहना दीजिए। हमेशा याद रहेगा जो आपके हाथ आकर निकल गया, कप्तान जैक स्पैरो।
जैक स्पैरो आज शाम को फांसी के तख्ते पर होना चाहिए। जाओ उसे पकड़ कर लाओ। जहां छोड़ कर गया था। लेकिन तुम्हें यहां नहीं छोड़ा था। तो सिपाहियों को तुम्हारी तलाश है। तुम लुटेरे हो। तुम जाने पहचाने लगते हो। पहले कभी क्या मार खाई है मुझसे? मेरे लिए तुम जैसे लुटेरों से जान पहचान रखना जरूरी नहीं है। तुम्हें मुझसे लड़ना तो तुम्हारे लिए बहुत शर्म की बात होगी। चलता हूँ मैं। ये समझदारी का काम नहीं है बच्चे। समुद्री लुटेरे से भिड़ना अच्छा नहीं है। तुमने मिस स्वान को धमकाया। सिर्फ थोड़ा सा। कमाल चला के बहुत अच्छे। अब तुम्हारे पैरों का कमाल देखिए। पहला कदम यहां रखो तो बहुत खूब। अगर दूसरे कदम पर क्या करोगे? हो गया। कि मेरे और मेरी आजादी के बीच आ गए, वो भी तब जब बिल्कुल निहत्थे हो।
लुटेरा हूं ना। जाओ, नहीं भागने दो मुझे, नहीं इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। देखो इस गोली पर किसी और का नाम लिखा है। मिस्टर ब्राउन, आपने एक खतरनाक लुटेरे को पकड़ने में हमारी मदद की है। अच्छा शहरी होने का फर्ज निभा रहा था। हम ये बात हमेशा याद रखेंगे कि आज के दिन कप्तान जैक स्पैरो लगभग हमारे हाथ से बचकर निकल गया था। मिस्टर ब्राउन, ले चलो इसे। जिंदगी भर उसे हड्डी दिखाते रहोगे फिर भी वो डर से मस नहीं होगा। जब सामने फांसी का फंदा नजर आए तो तुम भी ऐसा ही करोगे। आपका बिस्तर तैयार है, आज आपका दिन काफी खराब रहा ना? मुझे शक था कि कॉमोडोर नॉरिंगटन शादी की बात करेंगे, पर सच कहूँ तो मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मैं तो लुटेरे से धमकाए जाने की बात कर रही थी, आप तो डर गई होगी ना? हाँ मैं डर गई थी, पर कॉमोडोर ने शादी की बात की उस बारे में सोचिए। वैसे आप बुरा न माने तो आप दोनों की जोड़ी खूब जचेगी। हाँ हमारी जोड़ी खूब जचेगी, वो बहुत अच्छे आदमी है जिनसे हर लड़की शादी करने के लिए मरती है। वैसे विल टर्नर बहुत अच्छे आदमी है, वो कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया? अब मैं माफी चाहती हूँ, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। Thank you.
ऊपर से दबाए। गोवर्नर, आप मेरे ऑफिस में चुपचाप। ये मेरा होम। हथियारों का गोदाम नहीं है। वाह वाह वाह, देखो
तो यहाँ कौन है ट्विक? कप्तान जैक स्पैरो। पिछली बार एक वीरान टापू पर तुम्हें अकेले सड़ते हुए देखा था जैक, और ब्लैक बल तुमसे कोसों दूर था। किस्मत अच्छी है कि तुम यहाँ हो। तुम अपनी तकदीर की फिक्र करो दगाबाजो। जहन्नुम के जल्लाद बड़ी बेसब्री से तुम्हारी धुनाई करने का इंतजार कर रहे हैं। तुम पर तो वाकई शौक है। दिलचस्प बात है, तुम जहन्नुम के बारे में कुछ नहीं जानते। वाकई दिलचस्प बात है। नहीं उठाया जाता। ठीक है सरदार, मैं माफी चाहता हूँ तुमसे। कप्तान बारबोसा, मैं वो नफरत खत्म करने आई हूँ जो आपके और पोर्ट रॉयल के बीच में है। तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो, हम तो सीधे साधे समुद्री लुटेरे हैं। अगर चाहती क्या हो तुम? आप यहाँ से चले जाएं और कभी वापस ना आए। अफसोस, तुम्हारी ये बात मेरी कानों तक नहीं पहुंची। मतलब नहीं तो फिर ठीक है, इसे फेंक देती हूँ। मेरे पास बेशकीमती खजाने हैं, ये सोने का सिक्का कोई मायने नहीं रखता। क्यों? इसी सिक्के को तो ढूंढ रहे थे ना। इस जहाज को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, 8 साल पहले इसे इंग्लैंड से गुजरते देखा था। ये सिर्फ फहम है। ठीक है, अगर ये सिक्का बेकार है तो इसे रखने का क्या फायदा है ना? कौन हो तुम बताओ? एलिजाबेथ टर्नर, मैं गवर्नर के घर पर नौकरानी हूँ। मिस टर्नर, कुछ टाइप की बेटी, एक नौकरानी के पास इतना कीमती गहना आया कैसे? विरासत में मिला होगा, है ना बच्ची? ये सिक्का चुराया हुआ नहीं है। बहुत अच्छे, ये हमें दे दो और हम तुम्हारा शहर छोड़कर चले जाएंगे। और हमारा सौदा? साथियों को संकेत दो, गोलाबारी बंद करो, बंदरगाह खाली करो। मुझे किनारे तक पहुंचाना ही होगा। पहली बात, हमारे सौदे में तुम्हें वापस पहुंचाने की कोई बात ही नहीं हुई थी, इसलिए मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। दूसरी, ये कायदे लुटेरों पर लागू होते हैं जो कि तुम नहीं हो। और तीसरी, कायदे बनाए ही इसलिए जाते हैं कि जरूरत के वक्त उन्हें तोड़ा जा सके। स्वागत है तुम्हारा हमारे ब्लैक पर्ल जहाज पर, मिस टर्नर। देखिए, हमें जाकर एलिजाबेथ को बचाना होगा। लेकिन उसे ढूंढना कहाँ से शुरू करें? अगर तुम मेरी बच्ची के अपहरण के बारे में कुछ भी जानते हो तो हमें बता दो। जज स्पैरो,
उसने ब्लैक पर्ल जहाज की बात की थी? अब उसने तो सिर्फ जिक्र किया था। तो उससे पूछ लीजिए ना, उससे सौदा कीजिए, वो हमें वहां तक ले जाएगा। नहीं, वो लुटेरे जैक स्पैरो को जेल की बंद कोठरी में छोड़ गए थे, इसलिए वो उसके साथ ही नहीं हो सकते। गवर्नर आप फिक्र न करें, हम बहुत ही जल्द। ये योजना बेकार है। सुनो टर्नर, तुम ना तो एक सैनिक हो और ना ही जहाजी, तुम एक लोहार हो और ये जल्दबाजी से काम लेने का वक्त नहीं है। और इस गलतफहमी में मत रहना कि यहाँ सिर्फ तुम्हें एलिजाबेथ की फिक्र है, समझे? सुनो स्पैरो, क्या तुम चाहते हो ब्लैक पर्ल जहाज कहाँ है? उसके बारे में सुना तो है। मुझे उस जहाज पर जाना है। तुम्हें उस जहाज पर जाना है? तुमने उसके किस्से नहीं सुने? कप्तान बारबोसा और उसके खूंखार साथी मौत के टापू के रहने वाले हैं। उस टापू पर कोई नहीं पहुंच सकता सिवाय उनके जो उसका सही पता जानते हैं। वो जहाज असली है, वो कहीं ना कहीं तो पड़ाव डालता ही होगा। बता वो जगह कौन सी है। मुझसे क्यों पूछ रहे हो यार? क्योंकि तुम लुटेरे हो इसलिए। क्यों, तुम्हें भी लुटेरे बनने का शौक चढ़ गया? हरगिज नहीं। वो मिस वॉन को ले गए। आखिर तुम्हें एक लड़की मिली गई, अब समझा। पर खुदा अगर तुम्हारा इरादा वहां जाकर उसे बहादुरी से बचाकर उसका दिल जीतने का है तो ये बहादुरी तुम्हें अकेले दिखानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कोई फायदा नहीं है मेरा। यहां से निकलना चाहते हो? पर कैसे, चाबी तो कुत्ता ले गया। ये कोठियां मैंने बनाई है, ये लोहा बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। थोड़ी सी तकलीफ और सही ताकत के इस्तेमाल से इस दरवाजे को तोड़ सकते हैं। नाम क्या तुम्हारा? विल टर्नर। पूरा नाम विलियम होगा ना? काफी दमदार नाम है। ये नाम अपने बाप से मिला होगा, है ना? हाँ। तो ठीक है टर्नर साहब, मैंने इरादा बदल दिया। अगर तुम मुझे यहाँ से निकालते हो तो अपनी जान पर खेल कर तुम्हें ब्लैक पर्ल जहाज तक ले जाऊंगा, तुम्हारी माशूका दिलाऊंगा। सौदा मंजूर है? बोलो, सौदा मंजूर है? मंजूर है। मंजूर है तो निकालो मुझे यहाँ से। जल्दी करो, कोई आना चाहे। अपनी चीजें तो ले लो यार। बड़ा वाला चुराना तो है दोस्त, मगर वो नहीं, वो जहाज उतरने को। मगर जाने से पहले एक सवाल, ये लड़की, इसे बचाने के लिए तुम किस हद तक जा सकते हो? आखिरी सांस तक। बहुत बढ़िया, फिर तो काम हो गया। कामयाबी हासिल करने के लिए दोनों की जरूरत होती है लड़के। बहुत जल्दबाजी की,
इसमें कोई शक नहीं कि इतना बदतर लुटेरा मैंने आज तक नहीं देखा। वो आ गए। इतना शातिर लुटेरा मैंने आज तक नहीं देखा। ये तो वक्त ही बताएगा। बचपन में जब मैं इंग्लैंड में था तो मेरी माँ ने मेरी परवरिश की थी। उनके गुजरने के बाद पिताजी को ढूंढने मैं यहाँ चला आया। तो ये कहानी है। मेरे पिताजी बिल टर्नर, तुम भी तो मेरा नाम जानने के बाद ही आने को राजी हुए थे। मैं भी चाहता था कि तुम आओ, इसलिए तब मैंने जिक्र नहीं किया। लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं जैक, तुम उन्हें जानते थे। हाँ जानता था, बहुत ही कम लोगों से विलियम टर्नर के नाम से जानते थे। सब लोग उसे बूटस्ट्रैप या बूटस्ट्रैप बिल पुकारते। बूटस्ट्रैप? अच्छा आदमी था, अच्छा लुटेरा भी। तेरी शक्ल बिल्कुल उससे मिलती है। ये सच नहीं है, वो एक व्यापारी जहाजी थे, एक अच्छे इज्जतदार और कानून को मानने वाले। अबे वो एक धोखेबाज लुटेरा था। मेरे पिताजी कोई लुटेरे नहीं थे जैक स्पैरो। तलवार रख दे बच्चे, दोबारा हारने का इरादा है क्या? तुमने हराया नहीं था मुझे, धोखा दिया था। अगर सही तरह से लड़ते तो जान से जाते। मुझे धमकी देने वाले को मैं झूला डालता हूँ। लटके लटके मेरी बात ध्यान से सुन। जिंदगी में सिर्फ दो कायदे मायने रखते हैं, आदमी क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर तुम ये मान सकते हो कि तुम्हारा बाप एक अच्छा आदमी था या फिर एक लुटेरा था, मगर सच्चाई ये है कि तुम्हारी रगों में लुटेरे का खून है। अब मेरी मिसाल लो, मैं तुम्हें यही डुबो सकता हूँ, पर मैं ये जहाज अकेले टोटू का नहीं ले जा सकता ना, समझे? समझ गया रे? तुम एक लुटेरे के साथ ही बनकर सफर कर सकते हो या नहीं कर सकते? कर सकता हूं। टोटू का सुल्लू के पट्टे ने मुझे जगाने की जरूरत की है।
मुझे यकीन नहीं होता। जैक, सोए हुए आदमी को कभी जगाना नहीं चाहिए, यह बुरा शगुन होता है। हाँ, बुरे को अच्छे में बदलना मुझे बखूबी आता है। ये जगाने वाला आदमी नशे में दूध सोने वाले आदमी को बढ़िया जाम पिलाएगा, और सोने वाला आदमी वो बढ़िया सा जाम पीकर जगाने वाले की योजना सुनेगा। तो अच्छा शगुन होगा। बस करो, मैं जाग गया हूँ। बदबू दूर करने के लिए था। क्या ये तुम्हारी नई योजना? मैं ब्लैक पर्ल जहाज ढूंढने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ वो कहाँ है, और मैं उसे हत्या लूँ। ये बेवकूफी है। उस जहाज के किस्से तुम मुझसे बेहतर जानते हो। इसीलिए तो जानता हूँ कि बारबोसा क्या चाहता है। मुझे कुछ आदमियों की जरूरत है। मैं जहाँ तक कप्तान बारबोसा को जानता हूँ, वो तुम जैसे बेवकूफों से कोई सौदा नहीं करेगा। जैक स्पैरो, बेवकूफ नहीं हूँ, इसीलिए तो उससे सौदा करने जा रहा हूँ। तुमने ये कैसे सोच लिया कि बारबोसा अपना जहाज तुम्हारे हवाले कर देगा? सोच लो कि उसकी कोई कमजोरी मेरे पास है। से कहो कि उन्होंने जो कहा वो मेरे कानों तक नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा था कि तुम यही कहोगी, और ये भी कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो तुम हमारे साथ खाना खाओगी, वो भी बिना कपड़ों के। सोना है, 482 एक जैसे बेहतरीन टुकड़े हैं जो गॉडेस को सोने के बक्से में दिए गए थे। बक्सा भरकर एस्टेक के लोगों पर कत्लेआम रोकने के लिए उसे ये पैसा दिया गया था, पर गॉडेस की भूख मिटाना नामुमकिन था। उसकी इस हरकत से ऊपर वाले ने उस सोने पर एक भयानक शाप डाल दिया। कोई भी इंसान इस बक्से से अगर एक भी सिक्का निकालता तो उसे
दुनिया के अंत तक सजा दी जाएगी। वैसे मैं भूतों की कहानियों पर यकीन नहीं करती कप्तान बारबोसा। हाँ, पहली बार जब मैंने ये कहानी सुनी थी तो मैंने भी यही सोचा था। उस मौत के टापू पर दफन इस सोने को सिर्फ वही ढूंढ सकता है जो उसके बारे में जानता हो। फिर हमने वो ढूंढ लिया। सामने था वो बक्सा और उसमें ढेर सारा सोना। हमने वो सारा लूट लिया और हमने वो सारा पैसा बेवकूफों की तरह मौज मस्ती, खाने पीने और अय्याशी में कमा लिया। जितना हम खर्च करते गए उतना ही हमें एहसास होता गया कि हमारी प्यास बुझती ही नहीं, मुंह का निवाला राख बन जाता था और दुनिया भर की सारी अय्याशी भी हमारी हवस को नहीं मिटा सकी। जानती हो हम सब शब्द इंसान हैं, हम भूख के हाथों मजबूर थे, लेकिन उसने अब हमें निकल लिया। उस शाप को खत्म करने का एक तरीका है। वो सारे बिखरे हुए सोने के सिक्कों को हमें वापस बटोरना होगा और ऊपर खून चढ़ाना होगा। तुम्हारी बदौलत हमें आखिरी सिक्का मिल गया। अब मेरी बलि चढ़ाओगे? इस वक्त तुम्हें मारने का कोई फायदा नहीं। फिलहाल के लिए सीन मारने के बाद तुम क्या करने वाली थी? लेकिन मर नहीं सकता। कुछ महसूस ही नहीं होता, न समुद्र के ठंडी फुहारे और ना ही हवा का झोंका और ना ही किसी औरत की कुदरत। तुम भूतों की कहानियों में यकीन करना शुरू कर दो मिस्टर अनल, अब तुम भी उनका हिस्सा हो। साथी होंगे, हर आदमी की अपनी काबिलियत है और काम भी ये पागल है। तो ये हैं जैक स्पैरो के काबिल साथी। कौन है ये? नाम कॉटन है सर। कॉटन, क्या तुम में इतना दम है कि तुम मुसीबत और खतरे के वक्त अपने कप्तान का वफादारी से साथ दोगे? कॉटन, जवाब दो। ये गुंगा है सर, बेचारे की जुबान काट दी गई थी इसलिए इसने अपने तोते को बोलना सिखा दिया। वो आपको जवाब देगा।
तो ठीक है मिस्टर कॉटन के तोते, तुम जवाब दो। तुम क्या करते हो पानी? तुम क्या करते हो पानी? मेरे ख्याल में इसका मतलब हाँ है सर। बेशक हाँ है, होगी तसल्ली। तुमने साबित कर दिया ये पागल है। इसमें हमारा क्या फायदा है? शायद इसने भी यूं ही मार दिया होगा। नहीं, इसने सही मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कश्ती चुराने की? उधार उधार ली थी बिना इजाजत के, पर वापस लौटाने का पूरा इरादा था मेरा। तुमने ऐसा नहीं किया। दूसरी लगू मना देनी पड़ेगी। उससे भी बेहतर। उससे भी बेहतर वो वाली। कौन सी वाली? वो वाली। क्या ख्याल है नमारिया? ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, चलो चलो। नहीं 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 नहीं, जहाज पर औरत का होना बुरा शब्द होता है सर। उसे ना लेगा तो और भी बुरा होगा। कितने जहाजियों को निकला है ये सोचकर दिल दहल उठता है। आखिर जैक को मिला कहां से ये कंपस? एक अरसे बाद जैक टार्टुगा शहर आया, वो भी मौत के टापू का खजाना उड़ाने। इसलिए कंपस के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, क्योंकि जब मैं उससे पहले मिला था तब वो कप्तान था ब्लैक पर्ल का। क्या उसने बताया नहीं मुझे? अब वो हर कदम संभल कर रखता है, क्योंकि उसके साथियों ने उसको धोखा दिया था। 3 दिन के सफर के बाद उसका पहला साथी आकर कहता है कि सबको बराबर हिस्सा मिलेगा, जिसमें खजाने का ठिकाना भी शामिल था। तो जैक ने पूरी जानकारी दे दी। उस रात वहां बगावत हुई। उन्होंने जैक को एक टापू पर मरने के लिए छोड़ दिया। गर्मी के मारे वो बहुत पागल हो रहा था। तो यही वजह है कि वो वजह का इससे कोई लेना देना नहीं है। जानते हो बिल,
जब लुटेरे को जहाँ से निकाला जाता है तो उसे एक बंदूक और एक गोली दी जाती है, सिर्फ एक गोली। वो एक गोली से आप शिकार कर सकते हो या खुद की हिफाजत, पर अगर 3 महीने आपको खाना पीना नहीं मिलता है तो वही बंदूक और वही गोली खुदकुशी करने के काम आती है। पर जैक वहाँ से बच निकला और आज भी उसके पास वो गोली है, पर वो उसे चलाएगा नहीं, वो उसने बचा कर रखी है अपने उस धोखेबाज साथी के लिए। बाबूसा, जैक टापू से निकला कैसे? मैं तुम्हें बताता हूँ। वो 3 दिन और 3 रात तक किसी तरह टापू पर इंतजार करता रहा, उस वक्त तक जब तक कि समुद्र के सारे जीव वहाँ उसे मिल नहीं गए। फिर 4th दिन सुबह उसने 2 बड़े समुद्री कछुए पकड़े, उन्हें एक साथ बांधकर उनका बेड़ा बनाया। तो क्या ये उसने अकेले ने किया? हाँ, उसने अकेले ने किया। और उन्हें बांधने के लिए क्या इस्तेमाल किया? इंसानी बाल मेरी पीठ के लंगर डाला नीचे, साहब और मैं किनारे से होकर आएंगे। कप्तान, कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या करूं? तुम जानते हो क्या करना है। हाँ, जानता हूं। ये सच नहीं है, मुझे खजाने की कोई परवाह नहीं है। सिर्फ सोना और चांदी खजाना नहीं होता मेरे दोस्त। साथियों, वो वक्त आ गया है, हमारा बॉक्स करीब है, हमारी तकलीफें खत्म होने वाली है। 10 साल तक हमें आजमाया गया और तुम में से हर एक आदमी उस आजमाइश में पूरा खरा उतरा है, और आज भी हम कामयाब होंगे। तुमने बहुत पापड़ बेले हैं, बड़ी चढ़ गए इस सजा की वजह से हम सब लोग, लेकिन सजा हमारे गुनाह से कहीं बड़ी थी। ये रहा वो मकसद का शाबित खजाना है। हर एक सिक्का जो खर्च हुआ था हमने लौटा दिया, सिवाय इसके साथियों खुशियां मनाओ, अब हमें शाम से मुक्ति मिलने वाली है। और वो कब आएगा जब वो तुम्हारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा? हा? मैं तुमसे एक बात पूछू, मैंने तुझे तो वजह दी अपनी परेशान करने की, कैसा रहा? हालांकि जानता हूँ मुश्किल है, पर मेहरबानी करके यही रहना, मगर बेवकूफ भी मत करना है, समझे? हम में से किसने ऊपर वाले को अपने खून की बलि चढ़ाई, और अब किसके खून की बलि चढ़नी बाकी है? जानते हो, शाप से मुक्त होने के बाद मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ?
सारे सेब खाने वाला। जो शाम खून से शुरू हुआ अब उसे खून ही खत्म करेगा। मेरा फायदा नहीं उठा सके। बस इतना ही, बस इतना ही चाहिए। चलो साथियों, जल्दी करो।
उस टापू से बचकर कैसे निकला है? जब तुमने उस वीरान उजड़े टापू में मुझे अकेला मरने के लिए छोड़ दिया था तो तुम एक जरूरी बात बोल गया। मैं कप्तान जैक स्पैरो। मैं वो गलती दोबारा नहीं करने वाला, समझे? साथियों गौर से देखो कप्तान जैक स्पैरो को। लड़की के खून से शाप खत्म नहीं हुआ ना? गोली मत चलाना। तुम्हें मालूम है मैं किसके खून की जरूरत है? हाँ अच्छी तरह से मैं जानता हूं। कैसा आदमी है जो जहाज के बदले तुम्हारा सौदा कर रहा था? लुटेरा जो है तो मैं करता हूं। शुक्रिया। तुमने वहां बारबोसा को अपना नाम टर्नर बताया ना, क्यों? नहीं जानती। माफ करना, लोहार के हाथ है ना, इसलिए थोड़ा सख्त है। नहीं मेरा मतलब हाँ है तो, पर सिर्फ एक नाम बताकर छोड़ दोगे और मैं तुम्हारी बात पर यकीन करके वहां पर खड़ा होकर तुम्हें अपने जहाज को ले जाता हुआ देखूंगा। मैं तुम्हें वीरान टापू पर चढ़ने के लिए छोड़ जरूर दूंगा मगर नाम नहीं बताऊंगा। नाम तो मैं तुम्हें अपने जहाज में बैठकर दूर से चिल्ला कर बताऊंगा, समझे? पर मुझे ये बात पसंद नहीं आई बच्चे कि तुम वहां टापू पर मुझे एक नाम बताकर छोड़ दो जिस पर मैं यकीन करूं तो कैसे करूं? मैं बताता हूं ना, अगर हम दोनों में से किसी ने गद्दारी की है तो वो तुमने की है, इसलिए मेरी बात पर यकीन किया जा सकता है। हालांकि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि अगर तुम मुझे धोखा देकर वहां मारने के लिए नहीं छोड़ते तो आज मैं भी तुम्हारी तरह शाप का हिस्सेदार होता। अजीब दुनिया है ना। कप्तान हम इंटरसेप्टर तक पहुंचने वाले हैं। दिमाग में आई है बारबोसा, क्यों ना हम संधि का झंडा ले रहा थे और मैं इंटरसेप्टर पर जाकर तुम्हारा वो सिक्का वापस आने की बात करता हूँ। कहो क्या कहते हो? एक बात कहो जैक, तुम्हारे इसी रवैये की वजह से तुमने ब्लैक पर्ल जहाज को खो दिया। जब लोग मर जाए तो उन्हें ढूंढना आसान होगा। कोठरी में बंद कर दो इसे। जहाज है जब
पापा को उनसे कहना। ये जहाज कम पानी में भी चलता है ना? हाँ। और क्या वो कम पानी में आ सकेंगे? इतनी फिक्र क्यों करती हो? सामने डाकू है। जहाज को हल्का करो, भारी सामान हटाओ। जो भी फालतू सामान हो फेंक दीजिए। साथियों दुश्मन सामने है, अपनी डोबे तैयार करो, बड़ी पतवारे निकालो।
ठीक, तुम बारूद डालते रहो और बाकी सब लोग जाओ और मेरा सिक्का लाओ। किसी ने बातचीत का नाम ही लिया तो मैं उसकी जबान खींच लूंगा। तुम्हारा स्वागत है मेरी जान। तुमने पिछली बार हमारी खातिरदारी का गलत फायदा उठाया था, इस बार उसका हिसाब चुकाना होगा। क्या कहना चाहते हो बच्चे? छोड़ दो उसे। तुम्हारे पास सिर्फ एक गोली है और हम मर नहीं सकते। कोई बेवकूफी मत करना। तुम ना सही, मैं मर सकता। सत्यानाश, कौन हो तुम? कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये मेरे दूर की चाची की मामी के भतीजे का लड़का है। बेटी लेकर गाने गाता है, कवैया है। मेरा नाम बिल टर्नर है। मेरे पिताजी का नाम बूटस्ट्रैप बिल टर्नर था। मेरी रगों में उनका खून दौड़ रहा है। ये जरूर बूटस्ट्रैप बिल का भूत है जो हमें डराने आया है। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा और तुम शाप से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। अपनी शर्तें बताओ टर्नर। एलिजाबेथ को छोड़ दो। हाँ, ये तो हम जानते हैं। कुछ और मेरे साथियों को भी, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। ठीक है।
पाओगे। झूठा इल्जाम मत लगाओ मुझ पर बच्चे। मैंने कहा इसे छोड़ देंगे, पर तुमने नहीं बताया कि कब और कहां छोड़ना है। बड़े शर्म की बात है कि इतनी खूबसूरत लड़की को खोना पड़ रहा है। जाते जाते निशाने के तौर पर ये कपड़े हैं। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। ये भी तुम्हारे काले दिल की तरह है। चलो अब बोलो, चलो शायद इस बार भी कोई तिक्रम चलाकर तुम यहाँ से भाग गए हो, पर ऐसा नहीं लगता। चलो कूद जाओ। याद है पिछली दफा तुमने मुझे बंदूक और गोली दी थी? बिल्कुल ठीक कहा। आ है जैक की बंदूक, लाओ मुझे दो। अब जब हम दो आदमी हैं तो शराबत से दो बंदूक है दो ना। पहले की तरह इस बार भी एक ही बंदूक मिलेगी। तुम अच्छे आदमी बनकर लड़की को उड़ा देना और खुद भूख के मारे मर जाना। कैसे? हाँ अगर तुमने अपने कपड़ों में कोई जहाजबाज छुपा रखा तो बोलो। वैसे भी तुम्हारे उन तक पहुंचने से पहले तुम्हारा बिल मर चुका होगा। पर तुम कप्तान जैक स्पैरो हो, तुम्हें कभी किसी गैंग की दीवारें नहीं रोक पाई है। तुम तो ईस्ट इंडिया कंपनी से भी भाग निकले थे। तुमने एक गोली चलाए बगैर शहरों पर कब्जा किया है। क्या तुम वही लुटेरे हो जिसके बारे में मैंने इतना सुना था? तुम पिछली बार यहाँ से कैसे बच निकले थे? कैसे निकला तुम यही जानना चाहते हो ना? तो ठीक है बताता हूँ। पिछली बार गैर कानूनी दारू का धंधा करने वाले अपना माल छिपाने आए थे और मैं उनके साथ सौदा करके यहाँ से निकल गया था। अंदर रखी दारू देखकर लगता है उनका धंधा बंद हो गया। शायद तुम्हारे उस साले नॉरिंगटन ने उनका धंधा चौपट कर दिया। तो ये है असली राज, ये है राज जाने माने जैक स्पैरो के सफर का। तुम तीन दिन तक यहाँ शराब पीकर बेहोश रहे। तो तुम भी बेहोश हो जाओ ना। पकड़ो। हम जीते हैं, पीते हैं, पीते हैं, जीते हैं, दो पल का जीता। मैं अपने जहाज पर सबको ये गाना सिखाऊंगा, सब साथ मिलकर गाएंगे। और फिर तुम स्पेन की सबसे खूंखार लुटेरे बन जाओगे। सिर्फ स्पेन का नहीं मेरी जान, पूरे समुद्र का, पूरी दुनिया का। जहाज का मतलब होता है जहाँ जाना चाहो, जब जाना चाहो जा सको। ये शतीर बेटा छतिया पालतू से बनाने का सामान है। जहाज का मतलब होता है मेरे ब्लैक पर्ल का असली मतलब है सिर्फ आजादी। जैक तुम्हें यहाँ
टापू में फंसे रहने में बहुत बुरा लग रहा होगा ना? सो तो है, पर इस बार मैं अकेला नहीं हूँ। खूबसूरत हसीना है मेरे साथ। जानेमन तुम्हारे साथ तो मैं पूरी जिंदगी इस टापू पर। मिस्टर स्पैरो, मैंने इतनी शराब नहीं पी रखी कि तुम्हारी बातें सुनूं जो वाहियात है। मैं अच्छी तरह समझ गया मेरी जान। आजादी के लिए, ब्लैक पर्ल के लिए। इसलिए उसका ज्यादा तेज रफ्तार से चल पाना नामुमकिन है। ध्यान से सोचिए, ये ब्लैक पर्ल आखिरी लुटेरा जहाज है इस पूरे समुद्र में, और इसे पकड़ने का आखिरी मौका है तुम्हारे पास। मैं शाही नौसेना के लिए काम करता हूँ मिस्टर स्पैरो, अपने लिए काम नहीं करता, समझे तुम? कमांडो, मैं भी मांगती हूँ, उसे बचा लीजिए मेरी खातिर, शादी का तोहफा समझ कर। एलिजाबेथ, तुम शादी के लिए हाँ कर रही हो ना बेटा? हाँ पिताजी। अरे शादी, मुझे शादी बहुत पसंद है, इसी नाम जाम पिला। जान करो, हथकोड़ी बनाओ जाए। मिस्टर स्पैरो, हमारे इन सिपाहियों के साथ जाओ और उन्हें मौत के टापू के बारे में पूरी पूरी जानकारी दे दो, और उसके बाद मैं तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता, ठीक है? तुम पूरे सफर में अपना मुंह बंद रखोगे, क्या तुम मेरी बात समझ गए? अच्छी तरह समझ गए हैं। तोता कहता है ठीक से साफ करो। विलियम जॉनो को जानते थे? उस बूटस्ट्रैप बिल यानी विलियम टर्नर को हम जानते थे। हमारे जैक के साथ किया सुलूक विलियम को पसंद नहीं आया, मतलब वो बगावत। उसने कहा कि हम सब कायदे के खिलाफ हैं, इसलिए विलियम ने तुम्हें खजाने का एक सिक्का देकर हमसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। उसने कहा कि हम इस शाप के लायक हैं और हमें ऐसे ही रहना चाहिए। बेवकूफ, बेकार इंसान। अच्छा इंसान था, इसीलिए कप्तान वर्बोसा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। पर जानते हो, एक दिन मैंने बिल टर्नर को आंख भी मारी थी। अबे चुप, मैं कहानी सुना रहा हूँ ना। जानते हो उसके बाद कप्तान ने क्या किया? उसने विलियम टर्नर को तोप के मुंह में डाल दिया। आखिरी बार जब हमने विलियम टर्नर को देखा, तो को देखा था वह समुद्र की गहराई में हमेशा के लिए डूब गया था। वैसे शाप से मुक्ति के लिए हमें विलियम के खानदान का खून और सिक्का चाहिए।
इसे कहते हैं कुदरत की लात। ले आओ उसे। मुझे उस जहाज के हालात की कोई परवाह नहीं है। उन लुटेरों के जहाज पर आने तक क्या हम यहीं छुपे रहेंगे? नहीं नहीं, आप में छुपने की कोई जरूरत नहीं। मैं अंदर जाकर बारबोसा से कहूंगा कि अपने आदमियों को छोटी कश्तियों में भेज दें। आप और आपके आदमी अपने जहाज पर इंतजार करें और वहां से इन लुटेरों को अपनी छोटी छोटी दो कुछ भून देना। इसमें आपका नुकसान है कुछ नहीं, लेकिन शायद तुमसे छुटकारा मिल जाए। एक और नुकसान भी हो सकता है। इस हमले में आपके आदमी और आपके होने वाली बीवी की जान को भी खतरा हो सकता है। माफ करिए, आपकी हिफाजत के लिए है। बाहर में जाए तुम्हारे कमांडर का हुक्म। मुझे उन्हें एक बात बतानी है। सब लुटेरे शापित हैं, उन्हें मारा नहीं जा सकता। आप फिक्र ना करें, वो ये सब पहले से जानते हैं। एक जल परी हमारे जहाज पर आकर पूरी कहानी सुना गई थी। ये सब जैक स्पैरो की चाल है। घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी उंगली काटेंगे और खून की कुछ बूंदें गिरेगी बस। इस बार कोई गलती नहीं, ये विल टर्नर का बेटा है, पूरा खून बहा देंगे। तब तो वाकई घबराने की जरूरत नहीं। साथियों, जिस शाम की खून से शुरुआत हुई उसे जैक, ये नामुमकिन है। अब तो मुमकिन हो गया यार। एलिजाबेथ कहाँ है? वो महफूज है जैसा कि मैंने वादा किया था, और वो नॉरिंगटन से शादी कर रही है जैसा उसने वादा किया था, और तुम उसके लिए अपनी जान दोगे जैसा कि तुमने वादा किया था। तो हम सब अपने वादे के पक्के आदमी। एलिजाबेथ को छोड़ के, क्योंकि वो तो एक हसीन औरत है ना। चुप रहो, तुम भी मरोगे। मैंने कहा वादा किया था? तुम इसे छोड़ने वाले हो ना बारबोसा? नहीं, मारना चाहता हूँ। नुकसान होगा तुम्हारा। मुझे बताओगे कि मेरा नुकसान क्यों होगा? ओ, क्योंकि HMS जॉन्टलेस जहाज, जो शाही नौसेना की शान है, वहाँ बाद बेसब्री से तुम्हारे निकलने का इंतजार कर रहा है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? वो समुद्री डाकू बेखबर बाहर निकलेंगे। हम उन पर गोलियों की बौछार करके उन्हें समंदर में गहरी नींद सुला देंगे। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि हम यहाँ क्यों हैं, लेकिन हम वो क्यों नहीं कर रहे जो मिस्टर स्पैरो ने तोप से करने को कहा था? क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि वो सब मिस्टर जैक स्पैरो ने कहा था। मेरी बात गौर से सुनो भाई। तुम अपने साथियों को लेकर डॉन्टलेस पे हमला करो, ये उनका बुर्ता बना लेगा। ब्लैक वेल भी तुम्हारा, डॉन्टलेस भी तुम्हारा, तुम दो जहाज के मालिक हो गए। अब तुम्हारे पास लूटने के लिए दो जहाज हो जाएंगे। जाहिर है तुम बड़े वाले डॉन्टलेस जहाज पर ही रहोगे, पर ब्लैकपल जहाज का क्या? मुझे उसका कप्तान बना दो भरोसा, मैं तुम्हारे झंडे तले रहूंगा। अपनी लूट में से 10% भी तुम्हें दूंगा, और तुम्हारा ओहदा होगा कॉमोडोर बारबोसा, समझे? और इसके बदले में ये चाहते हो कि मैं इस लड़के को ना मारूं? नहीं नहीं नहीं, बेशक मारो, शौक से मारो, मगर अभी नहीं, सिर्फ शाप खत्म होने दो और सही मौके का इंतजार करो। यानी के नॉरिंगटन के आदमियों को मारने के बाद सही मौका आएगा। पहले से तुम्हारे दिमाग में चाल चल रही थी, उस वक्त से जब से तुमने मेरा नाम सुना। हाँ, मुझे माल का 50% चाहिए। 15, 40, 25। टोपी भी तो दे रहा हूं इतने बड़े ओहदे की। सारा पक्का हुआ,
चुपचाप कश्ती पर सवार हो जाओ। माफी चाहता हूँ, तुम हुक्म दो। साथियों वहां पैदल जाओ। सुन रही हो? हमेशा बेईमानी निभाता है पूरी ईमानदारी से, मगर ईमानदारों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये जो ईमानदार लोग होते हैं ना, वो कभी भी कहीं भी कोई भी बेवकूफी कर सकते। Thank you.
तो क्या बोलते हो बोलो? शाप मुक्त होते ही तुम क्या खाओगे? आप इसे तय कर ले। देख भाई, मैं तो पाए का शोरबा पीऊंगा।
तुम लोगों की मदद चाहिए, अब चलो। तूफान में जाना बेवकूफी होगी। तोता सही है, हमारे पास पर्ल जहाज है। और क्या होगा जैक का, उसे वही छोड़ दोगे तुम लोग? वो जहाज देने वाला था हमें, और हमें कायदों से चलना है। कायदे से? तुम लुटेरे हो, भाड़ में जाए वो कायदे और कानून। वो कायदे तुम्हारी सहूलियत के लिए बनाए जाते हैं। भाड़ में जाएंगे लुटेरे। अपना जहाज कहाँ जा रहा है? वो छा ले जा रहे हैं। साले लुटेरे कहीं गए? जहाज हमारे कब्जे में है साहिबान।
हमें डॉन्टलेस पर लौट जाना चाहिए। तुम्हारा मंगेतर तुम्हारी फिक्र कर रहा होगा ना? अगर तुम किसी सही मौके के इंतजार में थे तो यही था। अब एक काम करो, तुम मुझे मेरे जहाज तक छोड़ दो, एहसान मंद रहूंगा तुम्हारा। मुझे अफसोस है जैक, वो जहाज ले गए। साले मेरा जहाज उठाकर ले गए, जो और क्या उम्मीद की जा सकती। जानता था कि ये आखिरी दम तक यहां से भागने की नाकाम कोशिश करेगा, पर तुमने भी इसका साथ दिया। मैं पोर्ट रॉयल लाकर तुम्हारे साथ नरमी से पेश आया, उसका ये सिला दिया मुझे, तुम भी इसकी हरकतों में शामिल हो गए। ये लुटेरा है और एक अच्छा इंसान भी। अगर मेरी इस हरकत की वजह से आज आप मुझे फांसी पर लटका भी देंगे तो मुझे मंजूर है, कोई कम नहीं होगा। कम से कम एक अच्छा काम करके जाऊंगा। तुम अपनी हद पार कर रहे हो टर्नर। जानता हूं मेरी हद कहां तक है। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं अपनी एलिजाबेथ अपने हथियार नीचे रखो। सुना नहीं, अपने हथियार नीचे रखो। तो क्या तुम भी बिल्डर को चाहती हो? हाँ चाहती हूँ। Thank you.
मुझे इनका मिलन देखकर बहुत खुशी हो रही है। मेरा ख्याल है मैं ऐसे मकाम पे पहुंच गए हैं जहाँ आत्मा परमात्मा विश्व आत्मा सब एक हो जाते हैं। वैसे मैं जानता था कि इसकी शादी सिर्फ तुमसे हो, सच कह रहा हूँ, सच दिल से कह रहा हूँ। मुझे अफसोस है कि हमारी शादी नहीं हो सकी, माफ कर देना। तो भी अच्छी है शादियों, आज का दिन आपको हमेशा याद रहेगा क्योंकि आज के दिन जाएगा था कुछ ही देर में फांसी के फंदे पर मुगा। अब आपकी क्या योजना है बताइए। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान को न चाहते हुए भी लुटेरा बनना पड़ जाता है। कोई भी इंसान पैदाइशी लुटेरा नहीं होता। मिस्टर टर्नर, मैं इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हूं। यह एक खूबसूरत तलवार है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसे बनाने वाला अपनी जिंदगी के हर पल को इसी तरह प्यार से संभालेगा। शुक्रिया। कोमोडो, उस पैरों का क्या करें? क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसे सुधरने का एक मौका दिया जाना चाहिए? तुम इसे शादी करना चाहती हो, सोच लो। ये एक लोहार है। नहीं, ये मेरे दिल का लुटेरा है। Mm-hmm.